फ्रेंड्स 14 फरवरी 2018 ने वैलेंटाइन डे वाले दिन Xiaomi ने अपने Redmi Note 5 Pro को लॉन्च कर दिया है। और यार ये वीडियो इसलिए नहीं है कि मैं आपको स्पेसिफिकेशंस बताऊं या ऐसा कुछ, यहां पर आप तो आप बहुत सारे चैनल्स पे जाकर देख सकते हैं, यहां पर आप पता कर सकते हैं Xiaomi की खुद की वेबसाइट से, वो तो यार सब कुछ करते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं इसके बारे में कुछ लिमिटेशंस जो कि इस फोन में आपको फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं। और यार इस वीडियो को आप इस तरीके से बिल्कुल भी मत लीजिए कि मैं इस फोन की बुराई कर रहा हूँ या ऐसा खराब बता रहा हूँ ऐसा कुछ, लेकिन ये कुछ फीचर्स आपको इसमें देखने को नहीं मिलता, आपकी नजर में डाल रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के अगर आप उस फोन को खरीदते हैं तो कम से कम आपको पता रहेगा ये फीचर्स इसमें आपको नहीं मिलने वाले हैं और क्या इन फीचर्स के बिना मैं अपने फोन को अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मैच कर पाऊंगा, उसे यूज कर पाऊंगा। तो बस उस पर्पज के लिए है कि आप जब आप खरीदेंगे तो ये चीजें आप ध्यान में रखिए। तो बस मेरा नाम है भानु प्रताप और मिस्टर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप। Redmi Note 5 Pro जब आप खरीदने जाते हैं तो यहाँ पर कम से कम आपको USB Type C पोर्ट देना चाहिए था उन्हें, यहाँ पर माइक्रो USB पोर्ट ही है, यहाँ पर मतलब थोड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए। और मैं पर्सनली माइक्रो USB पोर्ट जो है या माइक्रो USB से फोन चार्ज करता हूँ तो बहुत बुरा एक्सपीरियंस है मेरा, यहाँ फोन कुछ अच्छे से चार्ज नहीं होते हैं, माइक्रो USB पोर्ट का अच्छे से काम नहीं करता है, तो मतलब वो इतनी ज्यादा अच्छी है उसकी बात नहीं होती है। माइक्रो USB USB Type C पोर्ट अगर आपको इस फोन में मिलता तो ज्यादा बढ़िया रहता। जो अगली थोड़ी बहुत खामी आप इसे कह सकते हैं वो है इसका हाइब्रिड सिम स्लॉट, यहाँ पर मतलब जियो सिम तो सब लोग यूज करते हैं, साथ ही साथ एक सेकेंडरी सिम भी उन्हें लेनी पड़ती है, या फिर आप जियो को सेकेंडरी कह लीजिए, कोई ना कोई मतलब दो सिम यहाँ पर इंडिया में कैरी की जाती थी, यहाँ पर मतलब ऐसा नहीं है कि आप दोनों सिम को यूज नहीं कर पाएंगे एक बार में। हाइब्रिड सिम स्लॉट में ये तो होता है कि दो सिम आप यूज कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेशन होती है कि या तो आप दो सिम एक साथ साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं या फिर एक सिम और एक एसडी कार्ड यूज कर सकते हैं, तो वो आपके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। वैसे मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमें इंटरनल स्टोरेज आपको ठीक ठाक मिल जाती है, तो 64GB अगर आप खरीदते हैं तो आप माइक्रो एसडी कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी हाइब्रिड सिम स्लॉट कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत लिमिट कर देता है आपके फोन के फीचर। तो फ्रेंड्स अगली जो खामी है वो है यहाँ पर फास्ट चार्जिंग। अब आप ये सोचेंगे फास्ट चार्जिंग तो इस फोन में दी गई है, तो फ्रेंड्स देखिए बात ये नहीं है कि फास्ट चार्जिंग इसमें दी गई है या नहीं दी गई है, फास्ट चार्जिंग डेफिनेटली इसमें दी गई है, आपको 5V 2A का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट इस फोन में मिलता है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको इस फोन को खरीदने जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको एडेप्टर फास्ट चार्जिंग का नहीं मिलता है, स्टैंडर्ड वाला चार्जर आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको अपने फोन को फास्ट चार्ज करना है तो यहाँ पर आपको अलग से एक फास्ट चार्जिंग एडेप्टर या फास्ट चार्जर खरीदना पड़ेगा, जो कि इसकी थोड़ी बहुत लिमिटेशन है। यहाँ पर मतलब आईफोन 10 की तरह यहाँ पर कर दिया इन्होंने, यहाँ पर फास्ट चार्जिंग कैपेबल फोन है लेकिन यहाँ पर फास्ट चार्जिंग एडेप्टर साथ में नहीं दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ जो है अगली दिक्कत आती है वो है इसका कैमरा। खैर अब कैमरा तो खैर मेरे हिसाब से ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पर मतलब एक रिव्यू मैंने देखा था शर्मा जी टेक्निकल, हमारे प्रबल शर्मा जी का उन सर मतलब उन्होंने रिव्यू किया था, तो वहाँ पर पिक्चर इमेजेस मैंने अपने हिसाब से जो ऑब्जर्व किया तो उस हिसाब से कैमरा इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। यहाँ पर रियर में आपको मिलता है कि यार फ्रंट कैमरा की काबिले तारीफ परफॉर्मेंस थी, वहाँ पर 20MP का फ्रंट में कैमरा आपको देखने को मिलता है जो कि मतलब सेल्फी फ्लैश के साथ है, लेकिन रियर में डुअल कैमरा सेटअप है ना एज वी वर एक्सपेक्टिंग वो काम नहीं मिला यहाँ पर, मतलब इतना अच्छा यहाँ पर डुअल रियर कैमरा सेटअप नहीं था यहाँ पर थोड़ा बहुत। इससे अच्छा मैं अगर कहूँगा तो Mi A1 थोड़ा ठीक रहेगा रियर कैमरा के लिए भी, ऑफ कोर्स यहाँ पर रियर कैमरा थोड़ा उसका भी ठीक रहता है, यहाँ पोर्ट्रेट मोड थोड़ा मतलब उतना बढ़िया नहीं था जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इतना आप 17,000 के फोन से एक्सपेक्ट करते हैं Redmi Note 5 Pro। थोड़ी सी अगली और लास्ट जो इस बारे में मुझे थोड़ी बहुत लिमिटेशन इसकी लगती है वो है इसका एंड्रॉयड वर्जन। अब यहाँ पर मतलब एंड्रॉयड ओरियो को लॉन्च हुए बहुत टाइम हो चुका है, लेकिन फिर भी ये फोन यहाँ पर आपको मार्केट में देखने को मिल रहा है एंड्रॉयड नोगट पे, तो ये थोड़ी खराब बात लगती है क्योंकि यहाँ पर है थोड़ा बहुत मतलब होना चाहिए था ओरियो तो कम से कम, खैर अपडेट में तो आ जाएगा इतनी तो गारंटीड है कि अपडेट आपको मिलेगा ओरियो का और यहाँ पर फेशियल रिकॉग्निशन भी अपडेट से आपको मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा बहुत यार ओरियो साथ में ही दे तो ज्यादा बेटर रहता। तो फ्रेंड ये तो थी कुछ 5 लिमिटेशन जिसको आपके ध्यान में रखना चाहिए, आपका आपको मतलब याद रखिएगा अगर आप लोग फोन खरीदने जा रहे हैं तो इन फीचर्स को इन लिमिटेशंस को जरूर याद रखिएगा, ये चीज आपको नहीं मिलती है तो क्या ये आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैच कर रहा है, अगर आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी तो क्या आप उस फोन को खरीदना पसंद करेंगे, याद रखिएगा। साथ ही साथ कमेंट्स में भी बताइएगा आपको क्या लगता है इन फीचर्स के बारे में उन्हें देने चाहिए थे या नहीं देके सही किया, या आप थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, और ऐसा भी लगता है अगर आपको बजट सेगमेंट में इतना थोड़ा बहुत हो जाता है तो देखिए यार यहाँ पर 17,000 कोई इतना ज्यादा कम बजट भी नहीं है, 17,000 में आपको USB Type-C एटलीस्ट यार Redmi Note 5 Pro में तो USB Type-C पोर्ट ओरियो और वगैरह देना चाहिए थे।
खैर ये थे मेरे विजन्स, आप मुझे अपने विजन्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और बस आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाना, मेरे चैनल सब्सक्राइब होगा और बराबर मिल जाएगा बेल आइकन से दबाने से होगा, जब मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप उस वीडियो को मिस नहीं करेंगे। और डेफिनेटली मिस मत किया करें क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस और टेक रिलेटेड टेक न्यूज डेली अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ। दिन की दो वीडियोस रोज मेरे चैनल पर पोस्ट होती हैं, तो डेफिनेटली जाके चैनल चेक कर सकते हैं। कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर भी कर सकते हैं वीडियो को। बस आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।